मनीष गोयल, कोविड-19 के चलते स्कूल का जो प्रोसेस है वो लेट हो गया है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई का जो लॉस हो रहा है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि क्यों ना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जाए और बच्चों को पढ़ाई को रेगुलर किया जाए। तो आज से हम एंड क्लास 7 के लिए ये वीडियो है। क्लास 7 का टॉपिक हम करवाएंगे यहाँ पे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। कि पहले तो इसमें क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगी, उसके बेसिक कंसेप्ट आएंगे, एग्जांपल्स आएंगे और उसके बाद उसकी एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। तो क्लास 7 में पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन, ए फ्रैक्शन हैज टू पार्ट, वन इज न्यूमरेटर एंड अदर इज डिनोमिनेटर। मतलब एक फ्रैक्शन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है न्यूमरेटर का और दूसरा होता है किसका, डिनोमिनेटर का। फॉर एग्जाम्पल 2/3 और 3/4, 3 इज न्यूमरेटर एंड 4 इज डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म के अंदर होती है, उसको क्या कहते हैं अपन, फ्रैक्शन कहते हैं। अब बात आती है कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन कितने होते हैं। फर्स्ट आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। कि न्यूमरेटर है वो छोटा होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1 इज न्यूमरेटर एंड 2 इज डिनोमिनेटर। तो 1 छोटा है किससे, 2 से, तो वो कौन सी फ्रैक्शन कहलाती है हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। याद क्या है, फॉर एग्जाम्पल के अंदर 4/4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर सेम है तो वो क्या कहलाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या दूसरी फॉर्म के अंदर कह सकते हैं कि न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर में से, तो वो भी क्या कहलाएगी हमारे पास, है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड आती है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ ए होल नंबर अलोंग विद ए प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन दो चीजों से बनती है, एक तो होल नंबर से और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन से। अगर इन दोनों को मिला के जो फ्रैक्शन बनती है उसको क्या कहते हैं अपन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/4/5, 2 इज होल नंबर एंड 4/5 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इन दोनों को मिला के जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या कहलाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। में ही यूनिट फ्रैक्शन की, यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, ए फ्रैक्शन हैविंग ए न्यूमरेटर एज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। अगर कोई भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर 1 रहता है, कि कोई भी फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर कितना है, 1 है, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कह सकते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, लाइक फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अगर बहुत सारे फ्रैक्शन है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल दे रखा है 1/7, 2/7, 4/7, इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि डिनोमिनेटर है वो तीनों का क्या है हमारे पास, सेम है। अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन है और उसका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो फ्रैक्शन कौन से कहलाते हैं हमारे पास, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, जिनका अलग अलग हो। मतलब बहुत सारी फ्रैक्शन दे रखी है, उनका डिनोमिनेटर सभी में क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, तो वो फ्रैक्शन है वो क्या कहलाएगी हमारे पास, है अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर। कोई भी डिनोमिनेटर का नंबर है वो क्या हो, कोई भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो क्या होना चाहिए, 10, 100, 1000, ये सब को, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों कहलाती है, फॉर एग्जाम्पल 8/10 है, 10 दे रखा है, डेसिमल फ्रैक्शन होगी। 7/100 है, डेसिमल होगी। क्यों होगी, क्योंकि 7/100 को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.07 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.07 में, क्योंकि दो जीरो है तो ऊपर कितने छोड़ के नंबर, कितने नंबर छोड़ के लगेगा पॉइंट, दो पॉइंट छोड़ के क्या लगेगा, दो नंबर छोड़ के क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन स्टेट दैट टू और मोर देन टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ रिजल्ट आर सेम फ्रैक्शन। अगर हमारे पास क्या हो, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन दे रखी हो और उन दोनों का रिजल्ट है वो सेम हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2 और 3/6 दे रखा है, आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2 दे दिया, तो न्यूमरेटर को हम कितने से मल्टीप्लाई कर दिया,
थ्री से, तो सेम टू सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को करना है, जितने थ्री से नंबरेटर को मल्टीप्लाई किया है सेम टू सेम किससे करेंगे, डिनोमिनेटर के टू से थ्री करेंगे, तो थ्री बन जा थ्री और थ्री टू जा सिक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेम टू सेम अगर वन बाय टू और थ्री बाय सिक्स है वो दोनों क्या है हमारे पास इक्वल है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या है दोनों का सेम है, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में दो चीजें हो सकती है, या तो मल्टीप्लाई होगा या फिर क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है। तो एट बाय एक एग्जाम्पल और लेकर रखा है, एट बाय ट्वेल्व और टू बाय थ्री आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि एट बाय ट्वेल्व को अगर मैं डिवाइड फोर से करता हूँ, अगर न्यूमरेटर को डिवाइड फोर से करने हैं तो डिनोमिनेटर को ऑफकोर्स फोर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो फोर की डिवाइड कितने से, एट से किया कितना है टू, फोर को डिवाइड कितने से किया ट्वेल्व से।